मैम कोरबा शहर का पहले तो आपका स्वागत है जी। आने की बार यहाँ की क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या रहेगा आपका सोच? आज मैंने कोरबा में कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है और एक कलेक्टर होने के नाते मैं मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं संवेदनशीलता के साथ आम जनता की समस्याओं को सुनूं, समझूं और उनका त्वरित निराकरण के लिए प्रयास करूं। साथ ही शासन की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से आम जन तक अंतिम स्तर तक क्रियान्वयन कराना मैं सुनिश्चित करूं। इसके अलावा जो है कोरबा शहर में अभी जब मैंने अधिकारियों से रूबरू हुई और बाकी सब जनता से रूबरू हुई तो कुछ समस्याएं, एक बेसिक कुछ समस्याएं मुझे बताई गई, जैसे प्रदूषण, मेडिकल कॉलेज को जल्दी से कार्य को पूरा कराना, सतरेंगा को एक पर्यटन स्थल के रूप में जो है नाम दिलाना, ये सभी चीज़ें रहेंगी हाल ही। इसके अलावा जैसे प्रेडिक्शन है कि कोरोना की जो तीसरी लहर भी आने वाली है तो हम यथासंभावित जो है पूरे प्रयास हम करें, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो है अगर कोरोना की थर्ड वेव जैसी कोई चीज़ अगर होती है या इस तरह से होता है तो हम पहले से अलर्ट रहें, प्रिकॉशनरी हम पूरी गतिविधियाँ जो है करके रखें। मैम यहाँ यातायात में बहुत ही जी मतलब यातायात ऐसा है कि वहाँ पे समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे, मतलब यहाँ का व्यवस्था भी नहीं है जी। कई प्लांट है यहाँ पे तो पुलिस और ट्रैफिक से जो है उसमें समन्वय स्थापित करके जो इसमें आगामी कार्य योजना हम बनाएंगे। मैडम कोरबा एक औद्योगिक जिला है और उद्योगों से ही DMF की राशि प्राप्त होती है और अभी DMF की नई संरचना में आप अध्यक्ष होंगी, लेकिन अभी तक का DMF का जो उपयोग हुआ है मैडम राशि का उसमें वो वर्ग अपने आप को दुर्भिक्षित महसूस कर रहे हैं जो खनन प्रभावित क्षेत्र के हैं, तो आपकी प्राथमिकता में क्या रहेगी कि उसका सही तरीके से उन तक लाभ पहुंच सके? विकास खनन प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनके विकास, उनके रोजगार, उनकी जो है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें ही जो है प्रमुख प्राथमिकता रहेगी कि वो स्वयं सक्षम रहें, उनकी कृषि क्षेत्र का विकास हो और बाकी सभी उनका सर्वांगीण विकास हो। मैडम कोरबा से जिनकी पहचान है जैसे विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरबा है जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, उनके लिए हमेशा एक प्लानिंग रहती है जिला अध्यक्ष के तौर पर, आपकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी उनको लेकर और किस तरह उनको बेहतर से बेहतर लाभ दिलाया जा सकता है? जो पहाड़ी कोरबा समुदाय है, इस समुदाय के लोग हैं उनको उनकी समस्याओं को सबसे पहले हम फील्ड स्तर पर समझेंगे कि किस तरह से हो और उसको निराकरण करने के लिए उनको स्वरोजगार पर बल देने और उनके जो है आर्थिक विकास के लिए एक प्लानिंग बनाई जाएगी, कार्य योजना बनाई जाएगी। मैडम सड़कों का एक प्रमुख समस्या है, सड़क बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं NH के भी, वो सारे निर्माणाधीन हैं और भी कुछ सेंशन होने वाले हैं, उसको समय पर पूरा कराने का क्या प्रयास रहेगा क्योंकि विकास की वही दूरी है जी। इसमें मैं समीक्षा करूंगी कि सड़क की क्या स्थिति है और आगे अपकमिंग क्या योजनाएं हैं और कहां पर वो पड़ेंगे है और अगर अननेसेसरी पड़ने के तो उसको पहल करके आगे क्यों पेंडिंग है ये समस्याओं को जान के आगे कराने की कोशिश करें। मैडम कोविड को देखते हुए देखिए इस संदर्भ में शासन के द्वारा आदेश जिस प्रकार से जारी होगा और निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा, फिलहाल जो शासन से आदेश जारी है उनका ही परिपालन किया जाएगा। ये दूसरी बुक है, एक बार मैंने वाली बुक में दिया था, इधर ये दूसरे है।